अमृतसर दे विच एक होर सनसनीखेज मामला सामने आया सेक्सटॉर्शन का। सेक्सटॉर्शन की है भी किस तरह किसी के फोन के उत्ते कॉल की जाती है, किस तरह उन्हें फिर बाद चो ब्लैकमेल किया जाता है। कई तौर पर कई बार तो लोग इस विच फस जाते हैं, फिरौती मंगिया जाती हैं। साना ने ACP नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा गलबात करते हैं। खोसा साहब, पहले सेक्सटॉर्शन का जिहड़ा है कि ते कोई मामला अमृतसर दे विच सामने आया जिन्हों लैके पुलिस वालों कुछ गाइडलाइनस भी जारी की गई हैं। ये अमृतसर भी कई मामले सामने आए हैं जी। सेक्सटॉर्शन एक नवे तरह का फ्रॉडस्टर ने स्कैम लभ्या वा, जिस विच तुहानू किसी अननोन नंबर तो वीडियो कॉल आउंदी है। आपां जिवें नॉर्मल कॉल अटेंड करते हैं, आपां वीडियो कॉल भी अटेंड कर लैंदे हां, तां सामने तो एक लेडी नगन वस्त विदाउट एनी क्लोज हुंदी आ। सो तुसीं ना चाहते हुए भी उहदे नाल 4-5 सैकेंड तक अपनी वो कॉल हो जाती है, जिस विच अपना फेस भी दिख जाता तो अगे तो जिहड़ी लेडी बिल्कुल न्यूड हुंदी आ उस चीज़ नूं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हुंदी आ। सो जिस भी जो तुहाडी एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है तो तुहानूं उस तो बाद पता चलता कि तुहाडे नाल तां बहुत वड्डा फ्रॉड हो गया। उस तो बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स तो तुहाडे जानकारां दा कॉन्टैक्ट लभदे ने, उन्हां दे व्हाट्सएप अकाउंट्स, उन्हां दे इंस्टाग्राम, फेसबुक लभदे ने, ते तुहाडे रिलेटिव्स नूं उह उस चीज़ की वीडियो भेजदे ने ते तुहानूं पहलां उस चीज़ का डरावा देंदे ने। उस डरावे दे बिना ते उह तुहाडे तों लखां रुपए की मंग करदे ने कि अगर तुसीं ये पैसे सानूं वापस पैसे फरौती देने लिए तैयार हो तो असीं ये वीडियो वायरल नहीं करांगे, अदरवाइज़ ये वीडियो तुहाडे रिलेटिव नूं भेजांगे ते तुहाडी असीं वीडियो वायरल भी कर सकते हैं। जिस तों बाद जिहड़ा बंदा इन्हां दी गल चा के इन्हां नूं पैसे दे जांदा वा तां उह उस चीज़ की डिमांड वधाउंदे ही जांदे ने जब तक तुसीं बिल्कुल कंगाल नहीं हो जांदे। दूसरा इन्हां दा तरीका वीडियो रिकॉर्ड करन तों बाद अगर तुसीं इन्हां दे गल्लां च नहीं आउंदे, तुसीं इन्हां दी कोई गल नहीं मानदे, तां इह किसे पुलिस ऑफिसर तों तुहानूं कॉल करवाउंदे ने, नकली पुलिस ऑफिसर। वो दसदा कि मैं वैसट बंगाल तों बोलदा, मैं UP तों बोलदा, मैं थाने तों बोलदा, तुहाडे खिलाफ़ एक वूमेन ने कंप्लेंट की है भी तुसीं उसनूं न्यूड होण लई मजबूर कर रहे सी, उसनूं हरास कर रहे सी, इस करके तुहाडे खिलाफ़ जां तां परचा दर्ज होगा जां तुसीं उस लेडी नाल कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्ने पैसे उन्हां नूं पे कर दो। सो अगर तुसीं पुलिस ऑफिसर तों डर के फिर पे करदे ने तो डिमांड उन्हां दी वधदी जांदी आ जदों तक तुसीं पैसे देण दे काबिल नहीं रहिंदे। सो इस दे विच साडे काफ़ी मामले सामने आए ने। सो अमृतसर दे विच भी बड़ा प्रेविलेंट है जी। कुछ साहब हुणे प्रोमिनेंट बंदियां नूं भी कॉल की जाती है, पहले तो पता लाया जाता भी ये कोल किन्ना फाइनांस है, फिर उन्होंने कॉल की जाती, पैसे मंगे जाते हैं। कोई इस तरह का रैकेट तुसीं पकड़िया या पुलिस उद्दे उत्ते काम कर रही है? ये उत्ते पुलिस काम कर रही है जी। पहला भी जिहड़े केस जिन्ने होए से उहदे विच साइबर क्राइम भी साडा काम कर रहा जी, बट मैनूं लगता कि लोगों को सानूं बड़ा अवेयर होने की लोड़ है। इस विच सब तो पहला तुसीं कोई भी अननोन नंबर तो कदे भी वीडियो कॉल अटेंड ना करो, क्योंकि सानू नहीं पता कि अगला किस अवस्था के अगों तुहाडे नाल गल कर रहा वा। सो यू कैन नैवर बी श्योर अबाउट दैट। दूसरा, तुसीं सोशल मीडिया से आप सारे अजकल है, किसी भी अननोन बंदे नाल सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट ना करो, क्योंकि वो तुहाडे नाल नॉर्मल चैट शुरू कर सकदा, तुहानू उस तो बाद इंट्रस्ट के विच ट्रस्ट के विच लैके तुहाडे नाल वीडियो कॉल कर सकदा। इस तो अलावा तुहानू वीडियो चैट के विच भी चैटिंग के दौरान भी कुछ इहो जी फोटोज़ भेज सकदा जिस दी उस तो बाद वो स्क्रीनशॉट लैके उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता। सो मैं लगता कि सानू ही इस चीज़ के बड़ा सतर्क होने की लड़ है जी। पहले तो पुलिस लिए बड़ी चुनौती सी भी, देखो पहले तो लोगों कहा जाता भी तुम साढ़े को सस्ते लोन लो, बहुत सारे लोगों को फसाया गया, बाद उन्होंने ये उन्होंने को पैसे शिकायत भी थोड़े को आई होनी। एक नवे तरह का मामला सामने आ गया सेक्सटॉर्शन का, तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो पुलिस वालों या फ्यूचर इनू निपटने वास्ते तो लोगों को एजुकेट करने वास्ते क्या किया जा रहा है? अगर जी तुहाडे नाल किसी भी तरीके का कोई भी साइबर क्राइम हुंदा वा तां उहदे विच साडे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस वालों एक नैशनल साइबर पोर्टल बनाया गया वा, जिस पोर्टल दे तुसीं 1930-1930 ते कॉल करके तुसीं किसी भी तरीके का अगर तुहाडे नाल साइबर फ्रॉड हुंदा वा तुसीं उसनूं रिपोर्ट कर सकदे हो। उस चीज़ ते इमीडिएटली उस चीज़ ते वर्क करना स्टार्ट कर देंदे ने जी। बाकी इस तो अलावा तुसीं लोकल पुलिस तुहाडे लोकल थाने आ, लोकल साडे तुहाडे DSPs SPs उन्हां नाल भी संपर्क कर सकते हो अपनी कंप्लेंट्स के रिलेटेड जी। मतलब मस्ती महंगी पै सकती जे कोई फोन पर किसी अननोन बंदे नाल गल करदा है, उहदे नाल गल्लां करदा है दिल परचाउण वास्ता, मन परचावा उहनूं महंगा पै सकदा। ये दोनों चीज़ां ने जी। कई लोग तो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि तुसीं कॉल चक्की और नाल दी नाल रिकॉर्ड कर लिया, कई अपनी कंसेंट दे नाल भी किसी नाल न्यूड वीडियो कॉल करनी शुरू कर देंगे ने। सो जदों तुसीं किसी अननोन बंदे नाल ये चीज़ करते हो तो अगला बंदा तुहानूं यू नैवर नो कि वह बंदा रिकॉर्ड कर रहा, उस चीज़ के विच लोकी काफ़ी उस तो बाद ब्लैकमेल होंदे ने जी। सोशल मीडिया जिथे तुहानूं फायदा दे रहा है पर बहुत सारिया चीज़ा ये लैके भी आया, किस तरह सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं, पुलिस नूं लगातार कंप्लेंटा आ रही हैं, वध भी रही हैं, तो इन वालों लोगों नूं अवेयर भी किया जा रहा भी किसी अननोन नंबर तो कॉल ना चुको। अगों न्यूड हो के लेडी फोन कर दिए तो उस तो बाद वीडियो कॉल नूं रिकॉर्ड कर लिया जाता, फिर तुहाडे ही दोस्तों मित्रां यारां रिश्तेदारां नूं भेज के तुहानूं ब्लैकमेल किया जाता है। इत्थे भी अमृतसर दे विच मामले सामने आए, साडा मकसद इस वीडियो बनाउण दा इही है ताकि लोगों नूं एजुकेट किया जा सके, लोग भी मन परचावे लई इहो जिहे काम ना करन जिहदे नाल बाद चों उहनां दी जान जिहड़ी है ओह जोखम च पै जावे। अमृतसर तों D4 न्यूज़ लई दीपक भंडारी दी खास रिपोर्ट।